ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिक इस फिलिस्तीनी बच्चे को अगवा करके ले जा रहे हैं, और जब बच्चे के पिता इन्हें रोकने की कोशिश करता है तब सिक्योरिटी फोर्स उसके साथ भी धक्का मुक्की करते हैं। मशहूर रेडियो जॉकी साइमा ने ये वीडियो कोट्वीट करते हुए गाजा में रक्तपात बंद करने का अनुरोध किया। वहीं ये वीडियो ऐसे ही दावों के साथ कई यूजर्स शेयर कर रहे हैं। बहरहाल वीडियो की जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये घटना कम से कम 8 साल पुरानी है और इसका हाल के इसराइल हमास युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर आरटी की साल 2015 की ये रिपोर्ट हमें मिली। आर्टिकल में बताया गया है कि इजरायली फोर्स ने कब्जा किए गए वेस्ट बैंक में एडा फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में से 6 वर्षीय बच्चे को हिरासत में लिया था। आर्टिकल के अनुसार इस बच्चे का नाम अब्दुल्ला लुत्फी यूसुफ है। पॉपुलर स्ट्रगल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी 17 नवंबर 2015 को ये वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया था और बताया था कि जिस व्यक्ति के साथ इजरायली फोर्स धक्का मुक्की कर रहे हैं वो पॉपुलर स्ट्रगल कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक्टिविस्ट मुंथर अमीरा है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रेफ्यूजी कैंप के लोगों ने कथित तौर पर इस बच्चे को रिहा करवाने की कोशिश की थी और बाद में इजरायली सेना ने इस बच्चे को कई घंटों के बाद रिहा कर दिया था। हालांकि एक्टिविस्ट को अज्ञात जगह पर हिरासत में ले जाया गया था। इन खबरों से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि हाल में शेयर किया जा रहा ये वीडियो इजरायल हमास युद्ध से जुड़ा नहीं बल्कि साल 2015 की घटना का है।